आज सिवान के ग्रैपलिंग टीम के चयनित साउथ एशियन ग्रैपलिंग खिलाड़ी प्रतियोगिता के लिए भूटान रवाना हुए। सरकार न्यूज लाइव सच सबसे आगे। ग्रैपलिंग चैंपियनशिप भूटान के लिए चयनित हुए हैं। ये इसके पहले भी साउथ एशियन ग्रैपलिंग प्रतियोगिता नेपाल में खेल चुके हैं। ये दूसरी बार इनका चयन हुआ है। इसमें 5 खिलाड़ी गए हैं। ये हरियाणा में जो राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता हुआ था उसमें जो भी बच्चे इसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल निकाले थे उन्हीं खिलाड़ियों का चयन हुआ है। और इन बच्चों से भी हम काफ़ी उम्मीद करते हैं। ये लोग भी इस बार भारत देश का नाम रोशन करेंगे। इस बार भारतीय टीम की तरफ से ये लोग भारत देश के लिए खेलेंगे। इनका सामना अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान से होगा। ये सभी खिलाड़ी अपने अपने भार वर्ग में अलग अलग वेट कैटेगरी में खेलेंगे और भारत देश के लिए खेलेंगे। मेरा नाम हुआ मनीष कुमार तिवारी, जिला ग्रैपलिंग कोच। आज ग्रैपलिंग की टीम हम लोग बिहार से 5 खिलाड़ी जो चयनित हुए हैं भूटान के लिए जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल गेम है। और हम सब समिति के लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि सभी बच्चे गोल्ड मेडल जीत के आए। ईश्वर से प्रार्थना। हम लोग भूटान जा रहे हैं खेलने, साउथ एशियन ग्रैपलिंग खेलने जा रहे हैं। सिवान से हम लोग 5 बच्चे जा रहे हैं, जिसमें 3 गर्ल्स और 2 बॉय। हम लोग पूरी आशा करते हैं कि पूरी टीम जीत के गोल्ड मेडल लेके आएंगे और अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करेंगे और अपने भारत देश का नाम रोशन करेंगे। आप कहाँ से आती हैं? मैं शिवपुर सकरा रखपुर से आती हूँ। नाम क्या होगा आपका? नाम अनामिका सिंह, ग्राम रखपुर।